सतना के नागौद में एक ब्राह्मण युवक के साथ बेरहमी से मारपीट और थूक चटवाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में सतना से विधानसभा का चुनाव लड़ चुका शशांक सिंह अपने एक साथी के साथ युवक की डंडे से पिटाई करता दिख रहा है। युवक को लात और घूसों से भी पीटा गया। सपाक्स पार्टी का पूर्व प्रत्याशी रहा दबंग युवक पीड़ित को थूक चटाने पर मजबूर करता रहा और घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देता है। पुलिस ने इस दबंग को पकड़कर उसका जुलूस निकाला और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नागौद में एक ब्राह्मण युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने और थूक चटवाने के मामले में सतना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीड़ित युवक जब थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने घटना में NCR काट दी। पुलिस ने घटना को संज्ञेय अपराध ही नहीं माना। वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित ने SP से शिकायत की। इसके बाद मामले के मुख्य आरोपी और सपाक्स पार्टी के नेता शशांक सिंह बघेल और उसके साथी विनय सिंह को सीधी जिले से पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। दरअसल नागौद के बंटी चौराहे पर शशांक सिंह ने अपने साथी सुजीत सिंह के साथ मिलकर संतोष पांडे नाम के युवक के साथ मारपीट की। दोनों ने युवक को पहले लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद उसे थूक कर चाटने के लिए मजबूर किया। डरा सहमा संतोष जान के डर से सब कुछ करता रहा। इसके बाद आरोपी उसका अपहरण कर अन्य जगह ले गए, जहां फिर उसके साथ मारपीट की गई। मारपीट की वजह कर्ज बताई जा रही है। संतोष ने शशांक से कुछ रुपये उधार लिए थे। पीड़ित ने अपने अपहरण और गंभीर मारपीट की शिकायत नागौद थाने में की थी, लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। पुलिस ने कागजी खाना पूर्ति करते हुए NCR काट कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने पीड़ित युवक का मेडिकल कराया। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए। SP की फटकार पर पुलिस सक्रिय हुई और 12 घंटे में आरोपी पकड़ लिए गए। बताया जा रहा है कि आरोपी शशांक सिंह बघेल बड़े किसान परिवार का लड़का है और इलाके में उसकी गुंडागर्दी चलती है। शहर का विकास होने के चलते इनके ग्राम सोनोरा में जमीन की कीमतें अचानक आसमान छूने लगी तो इसने कुछ जमीन बेचकर विधानसभा का चुनाव तक लड़ा, जिसमें इसकी बुरी तरह पराजय हुई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा था, इसमें भी उसकी हार हुई। फिर यह जमीन की दलाली में जुट गया और भूमाफिया बन बैठा। बीते दिनों ही इसने अपने गाँव सोनोरा के सरकारी तालाब पर कब्जा कर प्लॉट काट दिए थे। शशांक सिंह बघेल 2018 में सपाक्स से जुड़ा था। उधर सपाक्स पार्टी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। सपाक्स पार्टी से विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके शशांक के पार्टी में होने की भी जानकारी सपाक्स पदाधिकारियों को नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।